ऑर्डर्स के ये हैं मसाले, रतन मंजोसा, सिनेमन स्टिक, दालचीनी, स्टार फूल, ब्लैक इलायची, लौंग, ये सब मसाले हैं। और अब हमने लिया करीब 1.5 किलो तक मटन है, उसमें 300 ग्राम तक प्याज, 300 ग्राम प्याज लेने के बाद एक लगन लिया, लगन में हमने तेल डाल दिया। तो तेल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इंडियन मसाले जो हैं उसमें हम डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, मसाले डाल दिया। अब रतन मंजोसा की खासियत है कि ये तेल में जो है अपना कलर चेंज होगा, अगर पानी में करेंगे तो नहीं होगा। तो रोगन जोश की एक मेन जो मसाला होता है ये होता है रतन मंजोसा, जो इसमें कलर लेके आता है, कलरफुल आता है। तो ये देखिए अब कलर चेंज हो रहा है पूरा। तो ये रतन मंजोसा ने अपना कलर छोड़ दिया। इसमें जो है हम ऑनियन डाल देंगे, ऑनियन स्लाइस करके रखा हुआ था। तो ऑनियन को हम हाफ ब्राउन करेंगे, फुल नहीं करेंगे। तो ऑनियन हमारा थोड़ी देर इसको 2-3 मिनट ब्राउन करेंगे स्लो फ्लेम में। तो इसको हम जो है 2-3 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो गया हमारा ऑनियन, तो सॉफ्ट हो गया है, कलर भी अपना पूरा ले आया जो उसका आना चाहिए था, जेन मिल कर जो आना चाहिए रोगन जोश का वो आ चुका है पूरा उसका रतन मंजोसा का। इसको जो है थोड़ी सा और सूखने देंगे, उसके बाद में मटन ऐड कर देंगे। तो हमारा मटन था, तो मटन हम इसी में ऐड करेंगे। मटन को हम इसको 2-3 मिनट भूनेंगे जब तक मसाले का पानी पूरा सूख नहीं जाता है। तो हमने मटन ऐड कर दिया, इसको जो है पानी इसका सुखाना है मटन। तो मटन 2-3 मिनट बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, सूख गया पूरा पानी इसका। पानी सीखने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। तो हमने एक बाउल लिया, बाउल में डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेने के बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 स्पून, थोड़ा सा और कम था तो डाल दिया, ज़ीरा पाउडर 1 स्पून, थोड़ी सी हल्दी 1/4, और देगी मिर्च डालेंगे 2 टेबल स्पून, फुल स्पून टेबल देगी मिर्च, 2 टेबल स्पून देगी मिर्च हो गया। थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार जितना आपको लगता है, हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट भी ऐड कर लिया। इसके बाद इसमें हम सौंफ पाउडर डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें सौंफ पाउडर, तो हाफ हमने सौंफ पाउडर भी डाल दिया। उसके बाद मसाले में पानी डाल के इसी में हम मिक्स कर देंगे मटन में। तो मसाले में पानी डाल के हमने जो है मटन में डाल दिया। अब मसाले को भूनेंगे हम 4-5 मिनट तक स्लो फ्लेम में, जब तक कि वो रोगन अपना छोड़ नहीं देता है, जब तक उसका अपना कलर नहीं आया था मसाले, जब तक बराबर भून नहीं जाएंगे इसको भूनना पड़ेगा। तो वाह, कलर तो बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो इसमें हम डालेंगे अब टमाटो पेस्ट, आप टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हो, पर हम टमाटो पेस्ट डालेंगे 200 ग्राम। तो हमने किसान की टमाटो पेस्ट लिया है, इसको हम 200 ग्राम डालेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही प्यारा भी दिख रहा है देखने में। तो हमने टमाटो पेस्ट इसमें 200 ग्राम ऐड कर दिया। अब टमाटो पेस्ट को भी बहुत 2-3 मिनट इसको हम भूनेंगे स्लो फ्लेम में एकदम, क्योंकि टमाटो खट्टा होता है, जब तक भुनेगा नहीं बराबर तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको बहुत ही प्यार से भूनना है, ज़्यादा तेज़ गैस पे करोगे तो फिर वो फ्लेवर नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। तो हमारे 1 मिनट तक भून लिया टमाटो पेस्ट, तो कुछ इस तरह से हो गया है। और इसको हम 1 मिनट भूनेंगे अभी। ये देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो इसको हम बराबर हिलाते रहेंगे, क्योंकि लग भी जाएगा नीचे अगर हिलाएंगे नहीं। तो दो दिन उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी गरम करके, अगर ठंडा ऐड करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा मटन पकने में। तो हमने पहले 1/2 गरम मसाला 1/2 स्पून
डाल लेते हैं इसमें। ये गरम मसाला बाहर का नहीं, अपना खुद का बनाया हुआ है, बता देंगे इसमें क्या क्या पड़ता है वो भी। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। ये तो पूरा भुन चुका है, नीचे भी हल्का हल्का पकड़ने लगा, तो जब तक नीचे ना पकड़े तक भुनता नहीं है मसाला, तो भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी गरम। हमने गरम पानी एक बाउल ऐड कर दिया है, उसके बाद इसको जो है आधे घंटे तक छोड़ देंगे पकने के लिए, गलने के लिए। तो पानी ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो उसके एक मिनट बाद पानी ऐड करने के एक मिनट बाद देखो क्या पक रहा है स्लो फ्लेम में। बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है मटन रोगन जोश की। चलिए अब इस पर हम सिल्वर फॉइल मारते हैं और इसको छोड़ते हैं आधे घंटे के लिए दम पे। तो हमने ढक्कन सिल्वर फॉइल मार दी है ताकि इसकी जो फ्लेम है बाहर ना निकले, जो उसका फ्लेवर है। तो आधे घंटे होने वाले हैं हमारे कुछ, चलो आधे घंटे बाद हम खोल के देखते हैं। तो यहाँ से गैस निकलने लगी थी, अब इसको हम खोल के देखते हैं गल गया है या नहीं गला है। तो वैसे आधे घंटे में गल जाना चाहिए, तो इसको हम चेक करते हैं। तो वाह, फ्लेवर तो बहुत अच्छा आ रहा मटन रोगन जोश का। तो हम देखते हैं इसको, हाँ ऑलमोस्ट गल गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। कलर भी बहुत प्यारा है रोगन जोश का, जो एक्चुअल कलर होना चाहिए वो आ चुका है। चलिए अब इसको हम निकालते हैं एक बॉल में, फिर देखते हैं चेक करके कैसा बना। तो आप भी ट्राई करिए, बताइए हमें कैसा लगा आपको मटन रोगन जोश की रेसिपी। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, ज़रूर आप ट्राई करिए, फिर बताइए कैसी लगी मटन रोगन जोश की हमारी रेसिपी आपको।